हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने फिफ्थ फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 29 एंड 30 में। अब आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। माइनॉरिटीज़ कौन से? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in India having distinct culture, language or script have the right to conserve their culture, language and script। It means कि एनी सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो, सिटीजन कोई भी इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, जो इंडिया में रहता है, उसकी अलग अलग डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, ठीक है, उनकी अलग लैंग्वेज है, उनकी अलग संस्कृति है, ठीक है, कल्चर है, तो उनके पास वो राइट है कि वो अपने उस कल्चर को कंजर्व करके रख सकें। सेकेंड, आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एडमिशंस इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। इट मीन्स कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोई भी एजुकेशनल ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो किसी को डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, किस बेसिस पे? बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे। थैंक यू एवरीवन।